अच्छा लग रहा है, बराबर है नहीं अच्छा लग रहा है। हमारे मोहन भाई प्यू ने यहाँ के कैसे हो, जय श्री कृष्ण, बताइए आपके बारे में कैसा। बताइए बताइए। अच्छा है, काला काम कर रहे थे पूना में, काम कर रहे थे और खेड़िया खेड़िया काम। अच्छा यहाँ पे अच्छा, आज इनसे और भी माहिती लेते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मेरे आर्टिस्ट में बैठकर अपने स्केच वर्क में लगा हुआ था, अपने मकसद की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था और आखिरकार सफलतापूर्वक मेरा जो स्केच है वो संपूर्ण हो चुका है। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। हमारे गांव के बारे में थोड़ी बहुत गर्मी थी, उसके बाद बारिश आई है, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। मौसम अब खिला खिला आज नजर आ रहा है, खेत में भी अच्छा लगेगा काम करोगे तब, क्योंकि बारिश की वजह से और भी हरियाली छाई हुई है ना यहाँ पे। जी बापू, बताइए आप के बारे में कैसा। बताइए बताइए। अच्छा है, अच्छा अच्छा, ग्रुप में डाल लो सब। बताइए आपका नाम। बताइए मस्त बोल जाओ ना, मस्त नाम। बी एम जाडेजा, हमारा नाम है एन बी जाडेजा। आपका नाम बताइए। मैं आपका मक्का भाई। हमारे बड़े पापा श्री रणु बाबू कैसे हो? ठीक है, अच्छे हो, धन्यवाद आपका। हमारे नरेंद्र सिंह एन एस जाडेजा। वाह, अच्छा नरेंद्र सिंह जाडेजा। और इसके साथ अभी सब हमारे भाई लोग इकट्ठा यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब इनसे और भी माहिती लेते हैं। कैसा लग रहा है सभी को? अच्छा लग रहा है, अभी बारिश हुई है इसकी वजह से अब खेत में सब अच्छा होगा ना, पानी भरा है सब पानी खेत में। और उसके साथ और जानकारी लेना चाहोगे? एड़ा इतना इतना जानकारी चाहिए। पूना में काम कर रहे थे और खेड़िया खेड़िया काम। अरे कहना क्या चाहते हो? काम करते कृष्ण जी, हमारे सभी भाई लोग अच्छे से अपने कर्तव्य निभाते हैं, कार्य को पूर्ण करते हैं सभी। इसमें हमारे विजय बाबू खास, विजय बाबू आप क्या बोलते हैं, अभी क्या काम कर रहे हो? हम भी गाड़ी का ड्राइवरिंग करते हैं। ओ, इसका गाड़ी पड़ा है, ये हमारा गाड़ी है। चल झूठा, हमारा बड़ा भाई आ रहा है, हमारा बड़ा भाई है सबसे। और हमारे चाचा जी आगे घर के प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। हमारे मोहन भाई प्यू ने यहाँ के यहाँ पे यहाँ पे छोटे से कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास आ चुके हैं। कैसे हो? जय श्री कृष्ण। बोले जय बोले जय सीताराम। हमारे छोटियल गांव के बस स्टॉप पे अपने बहुत ही बड़े भाग हमारे जो हमारे इनको दर्शन हो रहे हैं। क्या बोल रहा है? जय माता जी। 500 भैंसों के एक दिला तो मालिक है ये। चल झूठा, बहुत ही शानदार अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं। हमारे फुआ साहब और हमारे बापू श्री, बड़े पापा श्री, ठीक है समरिया। कैसे जुआ से जगह? हाँ ये कर लो पहले। मैं और मेरे गोपाल चाचा बापू पहली फुर्सत में निकल हो रहे हैं घर से, हम देखते हैं आगे के लिए। और अभी तक हम यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे डैंक के साथ मेरे साथ बने हुए हमारे मामू श्री गोपाल मामू, और हमारा डैंक बढ़ रहे आगे के लिए। और ये हमारा केटीएम का प्यारा सा गांव ऑपरेशन भी यहाँ से हमारे सामने आ रहे हैं कुछ बाइक से, और डेक से आगे बढ़ रहा है यहाँ से। गोपाल आप के साथ बैठने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे गोपाल आप आपके साथ ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन आगे चला रहे हैं, बारिश के मौसम और भी अच्छा लग रहा है। अब हम ग्वालियर मतलब ग्वालियर गाँव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ पे देखा जाए तो बड़े भाई हमारे गोपाल भाई के बड़े छोटे भाई राजा भाई ये कर लो पहले आ जाओ। और हम यहाँ से आपको बहुत हरियाली गाँव में जैसे आपने घर से निभा रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए देखते ही बनता है कितना खूबसूरत यहाँ का नजारा देखने को मिल रहा है। पीछे ऊपर बादल काले छाए हुए हैं, हमारे कल्याण सिंह का होम भी दिख रहा है, नया बना है क्या वो, और हमारे कुर्तियल का खूबसूरत यहाँ का माहौल। हमारे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या लिखा हमारे यहाँ पे पहले सर हमारे गोपाल मामू, इनका आईना, इनका स्टेयरिंग, इनकी चाबी, इनका हाथ, इनका पेन, इनका ब्रेक, इनका टायर, इनका ट्रैक्टर। ये क्या बोल रहा है?
अच्छा यहाँ के खेत खाली देखिए कितने नेचर हरियाली खाई हुई है, बारिश की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये गड्ढों में पानी भर गया, आप देख सकते कितना खूबसूरत यहाँ का माहौल बन चुका है। देखते ही लग रहा है माहौल, बारिश की वजह से ऐसा होता है। आप आगे देख रहे हैं हमको सर हरियाली खाई हुई है, आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ पे हरियाली, हरियाणा की जैसा लग रहा है हमारा कच्छ का जो बिहार गाँव है हमारा। हमारी गोपाल वहाँ पहुंचे से ट्रैक्टर की ड्राइविंग कर रहे हैं, खूबसूरत माहौल बन चुका है यहाँ का बहुत शानदार। चले थे आपको बीच रास्ते में मिल गई है नदी हमारी। यही नहीं अभी और सुनिए, इतनी खूबसूरत यहाँ से आपने जगह की और अपने मकसद की और प्रस्थान कर रही है यहाँ से। हमारे गोपाल मामू के साथ में बैठा हुआ हमारे ट्रैक्टर में और यहाँ से नदी आने के बाद यहाँ से अपने मकसद की ओर आगे बढ़ती है स्लोली स्लोली। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे गांव हरियर में खूबसूरत आपकी नदी है, आपको मैं आगे अपनी दिखाऊंगा। और ये हमारा ट्रैक्टर आगे बढ़ता हुआ अपनी रफ्तार के साथ रफ्तार से कर रहे हैं हमारे गोपाल मामा इसको गिरफ्तार। छोटी सी नदी है, कोई फिर बात करता है ठंडा इस पानी को आगे बढ़ रहा है। हमारे गाँव बड़ी में पहुंच चुके हैं दोस्तों, हम सब बड़े पुराने हमारे गाँव बड़िया में प्रस्तुत दे चुके हैं, हमारे गाँव बड़ी में पधर चुका है, हमारे ट्रैक्टर की एंट्री हो चुकी है हमारे गाँव बड़ियर में और आगे बढ़ रहा है अभी हमारा ट्रैक्टर। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत यहाँ का माहौल नजर आ रहा है, यहाँ का माहौल ठीक है समरिया का वातावरण खिला हुआ है। आज पानी भी भरा, छोटी छोटी गलियाँ मैं दिखा रहा हूँ हमारे गाँव की, बहुत ही खूबसूरत गलियाँ हैं ये, यहाँ से हम काफ़ी छोटे दस गुजरा करते थे लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही काम आने का होता है क्योंकि सभी लोग काम काज में बिजी रहते हैं। आज यहाँ पे मौका मिला है आज के दिन, तो अब यहाँ से गुजर रहे हैं हमारे ट्रैक्टर के साथ हमारे गोपाल मामू के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।